नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए इन दिनों काफी चर्चा में है, पहले नीट पेपर को लेकर, अब नेट पेपर को लेकर। 18 जून 2024 को एनटीए ने यूजीसी नेट का पेपर करवाया था और 19 तारीख को इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी। परीक्षा में गड़बड़ी होने की सूचना मिलने के बाद एनटीए ने ये फैसला लिया है। एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए ने इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट पर परीक्षा कराई थी। देश भर में 317 केंद्रों पर लगभग 11 लाख छात्रों ने इस परीक्षा को दिया। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद अब परीक्षा वापस करवाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा रद्द क्यों कर दी गई। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से कुछ इनपुट मिले। इन इनपुट से संकेत मिला कि नेट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इस वजह से इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। इस पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा, एग्जाम प्रोसेस की हाईएस्ट लेवल की ट्रांसपेरेंसी और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। मंत्रालय ने बताया कि नेट परीक्षा अब फिर से आयोजित की जाएगी, इसके लिए आगे की जानकारी छात्रों से अलग से साझा की जाएगी। साथ ही परीक्षा में हुई गड़बड़ी की पूरी जांच के लिए मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंप दिया गया है। वही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग से यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होते ही विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर होते दिख रहा है। इसी बीच पूरे मामले को लेकर शिवसेना ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा, एजुकेशन इमरजेंसी। हालांकि केंद्र सरकार को लाखों छात्रों की कोई परवाह नहीं है, वो केवल पीआर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है, ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। लगातार पेपर लीक होना एनटीए और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।